मैं गोकू राठौर, इंग्लिश स्टेनोग्राफर, आपका त्रिजी स्टेनोग्राफी शॉर्ट एंड चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है वो है रिवीजन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। हमने लेसन नंबर 1, 2 और 3 में हमने पूरे 24 कॉन्सोनेंट हमने स्टेप बाय स्टेप सीखा था। आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको पूरे के पूरे जो कॉन्सोनेंट है वो एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक्स, मैं नाम लिख देता हूं, स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक्स। ठीक है, स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक्स में 6 कॉन्सोनेंट है, उसमें फर्स्ट है पी, बी, ई, डी, जे, जे। ठीक है, अब लिखते हैं पी, पी को। पी जो है ये डाउनवर्ड स्ट्रोक्स है, इसको लिखा जाएगा अप से डाउन, लेकिन ये है ना लेफ्ट साइड से लिखा जाता है हल्के से। ठीक है, ये मैंने पी लिख दिया और आपको समझाने के लिए मैं इधर एक एरो कर देता हूं, लेकिन आपको एरो नहीं बनाना है। ठीक, पी जो स्ट्रोक है ये स्ट्रोक है लाइट, सो मैं इधर लाइट लिख देता हूं। ठीक है, जिस तरह से हमने लिखा पी उसी तरह से हम लिखेंगे बी, लेकिन पी क्या बी क्या होगा, ये होगा डार्क। ये डार्क स्ट्रोक। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे टी। टी जो है ये हमें स्ट्रेट लिखना है 90 डिग्री के एंगल में। ये लाइट स्ट्रोक है। जिस तरह से हमने लिखा टी उसी तरह से हम लिखेंगे डी, तो डार्क। ओके दोस्तों, टी और डी ये दोनों स्ट्रेट लिखे जाते हैं 90 डिग्री के एंगल में। टी लाइट होता है और डी डार्क। अब हमको लिखना है चे और जे। चे और जे जो है ये पी बी के जस्ट ऑपोजिट है। ऑपोजिट मतलब पी और बी को हमने लिखा था लेफ्ट साइड से, अब चे जे को हम लिखेंगे राइट साइड से। चे लिखते पहले, चे ये लाइट स्ट्रोक है, अप से डाउन लिखा गया है। ठीक है, जे को भी हम जिस तरह से हमने चे लिखा उसी तरह से जे लिखेंगे, लेकिन जे होगा डार्क। ओके दोस्तों, ये हमारे 24 कॉन्सोनेंट्स में से फर्स्ट 6 स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक्स, पी बी टी डी चे जे। पी जो है ये लाइट है, बी डार्क है, टी लाइट, डी डार्क, चे लाइट और जे डार्क। अब ये लाइट डार्क क्यों लिखा मैंने, जिस तरह से कॉन्सोनेंट का साउंड अगर लाइट है तो आपको स्ट्रोक लाइन बनाना है, अगर कॉन्सोनेंट का साउंड अगर हैवी है तो आपको स्ट्रोक कैसे बनाना है, डार्क बनाना है। ठीक है, तो पी और बी के कंपोनेंट में बी का जो साउंड है वो हैवी है इसलिए डार्क बना है, टी और डी के कंपेरिजन में डी का जो साउंड वो हैवी है इसलिए उसको हैवी डार्क बनाया, और चे और जे के कंपेयर में जे का जो साउंड है वो चे के कंपेयर में क्या है, हैवी है इसलिए जे को मैंने डार्क बनाया। तो ये है हमारे स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक्स। अब मैं आपको सिखाता हूं नेक्स्ट कर्व डाउनवर्ड स्ट्रोक्स। ये हमने पढ़े 6, अब रह गए 18। ओके, ये मैं इसको रफ कर देता हूं फिर आगे का स्ट्रोक्स बताता हूं। नेक्स्ट है कर्व डाउनवर्ड, डाउनवर्ड स्ट्रोक्स। क्या टॉपिक का नाम है, कर्व डाउनवर्ड स्ट्रोक्स। इसमें हम सीखेंगे 8 कॉन्सोनेंट, एफ वी इथ
धी एस जी इश जी। आपको अगर इनके आपको अगर इसको रीड कैसे करना है अगर ये समझ में नहीं आए तो मैं यहां पे लिख देता हूं हिंदी में एफ वी इथ धी एस जी इश और जी, तो आपको ये रीड करने में आसानी रहेगी। अब देखो अभी हमको एक कर्व स्ट्रोक सीखना है। अब एक कर्व स्ट्रोक सीखने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं, एक यहां मैं अभी एक सर्कल ड्रॉ करूंगा। ओके तो देखो फ्रेंड्स मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब हमको लिखना है एफ, हमको क्या लिखना है एफ। एफ क्या है, ये डाउनवर्ड स्ट्रोक्स प्लस वो क्या है कर्व, तो कर्व बनना चाहिए। तो देखो यहां से लेके यहां तक का जो शेप है ना, ये शेप ये क्या है आपका एफ है। क्या है एफ, मैं उस तरह से लिखता हूं समझाने के लिए, एरो कर ये लाइट स्ट्रोक है। ओके यहां से यहां का जो है ना पोर्शन वो शेप वो है आपका एफ। नेक्स्ट हमको लिखना है वी। V जिस डायरेक्शन में हमने लिखा F उसी डायरेक्शन में हमको लिखना है V, लेकिन V क्या है F के कंपेयर में ये डार्क है। क्यों, क्योंकि V का साउंड ये हैवी होता है इसलिए। ओके अब हमको लिखना है इथ, ये पोर्शन है इसका, ये वाला यहां देखिए आप लोग, ये देखिए ये तो पोर्शन है ना, ये हम जैसे जैसे C लिखते ना C के जैसा है, ठीक है इथ। ओके फ्रेंड्स बना दिया ये लाइट स्ट्रोक। जिस तरह से हमने लिखा इथ उसी तरह से हमको लिखना है धी, लेकिन वो क्या होगा डार्क। ओके ओके ये देखो चारों के चारों जो स्ट्रोक हमने लिखे ये हमने लिखे लेफ्ट साइड से, अब हम जो स्ट्रोक लिखेंगे वो लिखेंगे राइट साइड से, ठीक है। अब हमको लिखना है एस जो ऑपोजिट है इथ का, ये वाला पोर्शन, ये वाला यहां से इथ ये वाला पोर्शन। ओके एरो लाइट, जिस तरह से हमने लिखा एस उसी तरह से हम लिखेंगे जी, लेकिन कैसे लिखेंगे डार्क। ओके अब हमको लिखना है ईश, एफ का ऑपोजिट, क्यों ऑपोजिट, एफ लिखा था हमने लेफ्ट साइड से, ईश को लिखेंगे राइट साइड से, ये वाला पोर्शन यहां से लेके यहां तक का पोर्शन, ये जो सब पोर्शन है ईश लाइट। जिस तरह से हमने लिखा ईश उसी तरह से हम क्या लिखेंगे जी, जो क्या होगा डार्क। Okay, दोस्तों तो हमने सीखा कर्व डाउनवर्ड स्ट्रोक्स, ये याद रखने के लिए अगर आप ऐसा सर्कल बना दोगे तो आपको आइडिया रहेगा ये साइड से एफ बनता है, ए साइड से इश बनता है, ए साइड से इथ, ए साइड से एस, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बनते हैं। ओके तो पहले हमने सीखा सिक्स कॉन्सोनेंट, अब सीखा हमने एट कॉन्सोनेंट, मतलब एट और सिक्स हमारे हो गए 14 कॉन्सोनेंट। अब जो रिमेनिंग जो कॉन्सोनेंट है 10 कॉन्सोनेंट वो मैं आपको बता देता हूं, तो ये मैं अभी रफ कर देता हूं, ठीक है चलो। हाँ मैं नाम लिखता हूं अभी रिमेनिंग कॉन्सोनेंट्स, तो आपको भी और आसान रहेगा समझने में। इसमें के जे एम एन इन एल आर रे हे इधर लिखता वे और ए है। के जो है के ये है हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, हॉरिजॉन्टल क्यों, क्योंकि इसे हमें लाइन पे लिखना होता है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है,
ओके, मैंने इसको नाइट के ऊपर मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैं इसे ऑन द लाइन लिखूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इस तरह से लिखा है। ठीक है, एक के और ये लाइन स्ट्रोक है। अब जिस तरह से हमने के लिखा उसी तरह से हम क्या लिखेंगे, गे, लेकिन ला। ओके, ये लिखा हमने कैसे, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, ये लाइट और ये डार्क। अब हमको एम लिखना है। ये देखो ये कोई सर्कल है, इसका कोई सेमी सर्कल, सेमी सर्कल एम लाइट स्ट्रोक। अब लिखना है एम, एम का ऑपोजिट ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये तो सर्कल वाला है ना, सेम सेमी सर्कल। ओके दोस्तों, ये भी लाइट स्ट्रोक। नेक्स्ट लिखना है इंग, जिस देश से इसमें हमने लिखा एम उसी तरह से लिखना है इंग, लेकिन इंग क्या है, ये डार्क है। डार्क ओके, के गे एम एंड इंग समझने के लिए मैं इधर पे लिख देता हूं हिंदी में, के गे एम एन इंग एल आर रे हे वे और ये। ओके चलो, अब हमको लिखना है नेक्स्ट एल। एल ये है अपवर्ड स्ट्रोक है, ये अपवर्ड स्ट्रोक है। क्यों अपवर्ड, क्योंकि इसे डाउन से अप लिखा जाता है, डाउन से अप। ठीक है, एकदम हल्की से लिखिएगा एल, ये लाइट स्ट्रोक है। अब जो आर है, आर है एल का ऑपोजिट, एल अपवर्ड था, आर डाउन वर्ड, अप से डाउन। ओके दोस्तों, ये एल लाइट स्ट्रोक है, ये अपवर्ड है और ये है डाउन। नेक्स्ट हमको लिखना रे, रे भी अपवर्ड स्ट्रोक है, याद रखिएगा। अब ये लाइट स्ट्रोक है, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने आप लोग को पहले भी बताया है, रे और चे में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। रे ये अपवर्ड है और देखिएगा कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन से देखो 30 डिग्री का एंगल बनाता है, और जो चे है ये डाउनवर्ड स्ट्रोक है जो वर्टिकल से 30 डिग्री का एंगल बनाता है। अब आपको ये याद में नहीं रखना कि 30 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, सिर्फ इतना याद रखिएगा चे डाउनवर्ड है और रे जो है ये अपवर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट लाइट स्ट्रोक है। अब हे हमको लिखना है, हे में दो टाइप है, एक है अपवर्ड एक है डाउनवर्ड। अब मैं पहले लिखता हूं अपवर्ड, तो इसको लिखना कैसे, हम पहले क्या करेंगे, क्लॉकवाइज सर्कल लेंगे और जिस तरह से हमने रे लिखा उस तरह से लिखेंगे, क्लॉकवाइज सर्कल और रे जैसा। देखिए मैंने एरो बना दिया, क्लॉकवाइज सर्कल और रे जैसा, ये अपवर्ड स्ट्रोक है, ये लाइट है। ठीक है, इसी तरह से ये जो है ये डाउनवर्ड है, सेम क्लॉकवाइज सर्कल और चे जैसा, क्लॉकवाइज सर्कल और चे जैसा, दोनों के दोनों लाइट स्ट्रोक है। ओके दोस्तों, ओके लास्ट वे और ये दोनों हुक स्ट्रोक है। क्यों हुक स्ट्रोक कहा जाता है, क्योंकि इनके पहले हुक बनाया जाता है, इनका स्ट्रोक बनता है, और ये दोनों अपवर्ड स्ट्रोक है, अपवर्ड हुक स्ट्रोक। अब हमको वे लिखना है, पहले हुक बनेगा एंड देन रे का जैसा। देखिए नहीं समझ में आया तो मैं और एक बार बता दूं, ये हुक और रे जैसा। अब यहां जो हुक बनेगा ये बनेगा इसके ऑपोजिट साइड, हुक और ये, ये इसका एरो हुक वाला और ये इसका है, पहले हुक देन रे जैसा। ओके तो ये हमारा स्ट्रोक है। ठीक है, अब इसमें आर और रे इन दोनों का पेयर है, हे और हे इन दोनों का पेयर है, आर और रे इनका यूज कब किया जाएगा, जब वर्ड में र आता होगा। र डिफरेंस ये है कि आर डाउनवर्ड है और रे अपवर्ड है। हमको सीखना ये है कि
डाउनवर्ड आर का यूज कब होगा और अपवर्ड आर का यूज कब होगा। जब हम जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि दोनों आर का यूज किस तरह से करना है। सेम डिफरेंस हे और हे में एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है, दोनों का डिफरेंस एक ही है, दोनों का यूज अलग अलग है, ठीक है। वो भी मैं जब टॉपिक स्टार्ट होगा हे का तब मैं आपको बता दूंगा। ओके सो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो स्टूडेंट के लिए ये वीडियो अगर फर्स्ट वीडियो है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इससे जो पहले के जो वीडियो है जहाँ मैंने चैप्टर वाइज स्टेप बाय स्टेप सिखाया, मैंने फर्स्ट लेसन में मैंने पहले सिक्स कंसोनेंट बता दिए, सेकंड लेक्चर में मैंने फिर कर राउंड स्ट्रोक सिखा दिया और थर्ड लेक्चर में और जो रिमेनिंग थे वो बताए और आज के लेक्चर में पूरे के पूरे बता दिए। ओके सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो भी अगर आपको डाउट हो तो आप ये मुझे कमेंट्स कर सकते हो, और अगर सपोज मैं कमेंट्स नहीं चेक कर पाऊँ तो मैं मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी दूंगा, आप मुझे कॉल कर सकते हो। और एक बात करना चाहता हूँ दोस्तों आपसे, अगर आप घर बैठे अगर आप स्टेनो सीख रहे हो तो अच्छी बात है कि आप भले घर बैठे सीख रहे हो, लेकिन ध्यान रखिएगा घर बैठे आप सिर्फ सीख सकते हो लेकिन जो स्पीड चाहिए जॉब पाने के लिए वो घर बैठे नहीं आएगी। सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अगर आप यहीं पे हो सूरत के हो तो सूरत में मेरी क्लास चलती है, क्लास का नाम है 3G इंजीनियरिंग एंड स्टेनोग्राफी क्लासेस, मैं मेरा एड्रेस भी दूंगा, आप आइए क्लास पे मिलिए मुझे, मैं आपको अच्छी तरह से गाइड करूंगा कि जिससे आपका फायदा हो। क्योंकि देखो आप ही जानते हो और बाद ही प्रैक्टिकल है, घर बैठे सीखना और क्लास में आके सीखना बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। सो ये चीज़ को ध्यान में रखिए, अगर आप यहीं के हो सूरत के या आउट ऑफ सूरत के होगे तो भी चलेगा, आप आओ मैं आपके अनुसार आपका टाइम टेबल सेट कर दूंगा और अच्छे से अच्छे आपको स्टेरो सिखाऊंगा जिससे आपका स्टेरोग्राफी सीखने का जो सपना है वो पूरा होगा। ओके दोस्तों सो ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट संडे मैं वोवेल स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।